अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। जैसे आप लोग एक्साइटेड हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी हिम्मत और बन रही है कि मुझे और पोस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे और जल्दी पोस्ट करना चाहिए। एंड यस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हमारे जो इस ब्लॉग में हमारे साथ एक स्पेशल इंसान होंगे और उनसे एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट होगा। तो आप लोगों ने, सबने, जितनों ने गेस किया, मुझे एक भी गेस गलत नहीं आया। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो यस, यू ऑल हैव गेस्ट इट राइट। शी इज नन अदर देन सना खान। वैसे तो सना खान को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से वो इतने फेमस हैं और उनके दीन के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग जितनी बात करें वो कम होगी। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक न्यू जर्नी के लिए डेडिकेट किया, और डेडिकेट करना तो एक बात है, लेकिन उस रास्ते पे फिर स्टेडफास्ट रहना, उस रास्ते को पकड़ करके चलना कि मुझे इस पे कायम और दायम रहना है। वो मुझे सना खान से ऐसा सीखने को मिलता है कि अगर आप शादी भी हो जाए, अगर आपका बच्चा भी हो जाए, अगर वो बच्चा न्यू बॉर्न है, जैसे कि आप जानते हैं माशाल्लाह से सैयद तारिक जमील, ही इज नॉट इवन 1 ईयर ओल्ड, वो 1 साल से भी कम एज में है। उनको लेकर के सना डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, कभी उमरा पे जाते हैं, कभी वो अभी फिलहाल जैसे कि अभी इस वक्त वो यूएसए में है। क्लाइमेट आप जानते हैं यूएसए का, डिस्टेंस आप जानते हैं यूएसए का, उसके बावजूद वो रुकते नहीं है कि नहीं, ये तो अभी मैं बच्चे के साथ में इतना दूर नहीं आऊंगी, मुझे इंडिया का बयान दे तो मैं ये कर लूंगी। नहीं, कुछ आपको रोक नहीं सकता अगर आपके दिल के अंदर वो फायर बर्न हो रही है। और वो फायर उनके दिल के अंदर बर्न हो रही है कि मुझे दीन का नाम रोशन करना है, मुझे इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है लोगों तक। वो उसलिए इतना ट्रैवल करके जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, ताकि वो आपको एक पार्ट दे के जाए, जिस पार्ट को आप खूबसूरती से इलेबरेट करो, आप उसको तराशो, आप उस रास्ते पे चलने लगो। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है अगर आप सना से मिल रहे हो, अगर आपने सना से कुछ सीखा है, उनका बयान सुना है, तो वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो देखो कि वो किस तरीके से उस जगह पे पहुंच करके आप लोगों से बात कर रहे हैं। चाहे उनकी तबीयत ठीक हो नहीं ठीक हो, उन्हें आप रोक नहीं सकते। आप बल्कि उनको बोलो यार तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो, वो नहीं रुकेंगे। शी विल बी देयर ऑन द फ्रंट लाइन दैट आई विल डू इट, यू कैन नॉट स्टॉप हर। शी इज एन अनस्टॉपेबल इस्लामिक फोर्स इन इंडिया माशाल्लाह, एंड शी इज डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। जो उनके काम है माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब दीन में भी, वो दुनिया में भी, दोनों चीज में वो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती से अपनी चीज निभा रही हैं, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी। सो उनसे सीखते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे, और उनका जो प्रोफेशनल फ्रंट है वो हया बाय सना खान को किस तरीके से वो संभालते हैं, और उनका माशाल्लाह से जज्बा कैसा है इस चीज़ को लेकर, ये भी समझेंगे। सो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ एग्जिबिशन पे जाने, और मुझे चाय की तलब लग रही है। पहले तो मैं रुक करके यहाँ पे चाय पीऊँगी, और मैंने साथ में मूंग के पकौड़े भी ले लिए विथ लहसुन की चटनी, एंड ये आ गई मेरी कुल्लड़ वाली चाय। मुझे कुल्लड़ में चाय पीना वैसे बहुत पसंद है, और ये अदरक वाली चाय है, इसका तो विंटर्स में क्या ही कहना, सर्दियों में अदरक की चाय मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अब मेरा दिमाग फंक्शन कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड ये फिर से हम ट्रैफिक में अटक गए। ओह, मुंबई की ट्रैफिक, बट ऑलमोस्ट हम पहुंचने पर है। सो ये आ गई फाइनली हया बाय सना खान, अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जिबिशन इन मुंबई। और सना को पहले ढूंढते हैं, एग्जिबिशन के बारे में भी रिव्यू देंगे। ये देखिए हाउस फुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो एज़ यूजुअल सना पूरे अपनी ख़वातीन के ग्रुप में दीन की बातें करते हुए, उनसे अपने दिल का हाल सुनते हुए। एंड आप तो यकीनन यहाँ शॉपिंग करने आए होंगे, बट आपको एक बात बता दूँ, अगर आप हया बाय सना खान के एग्ज़िबिशन में जा रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि आप सिर्फ़ अपनी ज़ाहिरी ब्यूटी नहीं, आप अपनी बातिनी ब्यूटी भी वहाँ से संवार के आएंगे। सो दैट वॉज़ द केस विथ मी, एंड आई एम श्योर आप भी यही एक्सपीरियंस करोगे जब आप वहाँ जाओगे। तो सना की आंखों में पानी आ गया है, क्योंकि वो यकीनन कोई अपने दिल से बहुत ही करीबी किस्सा शेयर कर रहे हैं, एंड लड़कियों का रिएक्शन भी देखिए, उन्हें कितना कुछ सीखने मिलता है सना से, ये खुलूस, ये मोहब्बत, माशाल्लाह। एंड अब एग्जिबिशन का रिव्यू करते हैं, चलिए एग्जिबिशन में जो कलेक्शन है वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए 1500 विमेन कुर्ती, ये प्योर लॉन शर्ट्स है, और वो भी इस रेट में, वाओ।
यहाँ पे फेस स्पा का भी काउंटर था और ये फुल सेट्स भी है लॉन के, एंड बहुत ही प्यारा सा ब्लैक एंड मल्टी है ये डिटेलिंग, देखिए इट्स अ थ्री पीस सेट विथ लॉन दुपट्टा। और यहाँ पे अगर आप शिफॉन दुपट्टा पहनते हो तो बहुत प्यारा सा एलिगेंट सा कलर है ये, ऑफ वाइट विथ ब्राउन शिफॉन दुपट्टा, एंड इट्स अ फुल लेंथ शर्ट। और ये देखिए ये कलर आजकल बहुत सीजन में, इनफैक्ट कलर एंड फैब्रिक बोथ, स्पेशली जब आप ऑफिस गोइंग हो, आपको ज़्यादा ड्रेसअप होके नहीं जाना है लेकिन कोई इवेंट है या कोई फेस्टिवल है, उस टाइम पे भी ये चीज़ आप लैवेंडर दुपट्टे के साथ स्टाइलिशली आप इसे टीम कर सकते हो, इट लुक वेरी क्लासी। और आगे देखते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स दिख रहे हैं मुझे, और ये इनका फॉर्मल रेंज कलेक्शन है विथ जकार्ड सूट्स न्यूली एडेड। ये देखिए बहुत प्यारे फ्रेश कलर्स हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ माई वीकनेस, ये पीच कलर मुझे बहुत पसंद है, एंड इसमें लॉन जकार्ड दुपट्टा है, सो इसमें आपको विद अच्छी मिलेगी दुपट्टे की। मस्टर्ड कलर ऑफकोर्स शादियों में, अगर आपको प्री शादी पोस्ट शादी दांवते हैं, इसमें आपको ये कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। सो एंड इसका जो वर्क है ये इतना प्यारा है कि आप इसे रिपीट भी कर सकते हो, सो इट्स नॉट फिक्स्ड टू द शादी थिंग। एंड डार्क कलर में ये देखिए मरून एंड ग्रीन, अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। स्लीव्स डिटेलिंग ऑल्सो परफेक्टली डन, थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन लो आप हाथ में, इट लुक्स सो क्लासी। ये रहा हैवी कलेक्शन, सो इसमें बेसिकली हैवी शॉल दुपट्टा है, वेलवेट बेस्ड, फुल लेंथ शर्ट है इसकी, और दुपट्टा इनफैक्ट इतना प्यारा है कि आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हो दूसरे आउटफिट्स पे, लाइक प्लेन गोल्डन ड्रेस। और ये बहुत सटल सा ऑरेंज एंड ग्रीन है, इट्स अ नाइस वन। और ये है मेरा फेवरेट बेज गोल्ड एंड ब्लू, आई जस्ट लव्ड द ब्लू कलर, इट्स एन इंग्लिश कलर, तो मुझे बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगा, एंड मुझे इवेंट पे ऐसा ही कुछ पहनना था। इट्स अ थ्री पीस फुल सेट एंड फैब्रिक इज़ सो कम्फर्टेबल, मुझे ज़्यादा हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस नहीं पसंद है, एंड स्पेशली जब आप हिजाब पहनते तो आपको कम्फर्टेबल दुपट्टा चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये सना सबसे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सना का वेट कर रहा है, और वो है अनस भाई। अनस भाई सना को बकलावा खिलाने के लिए वेट कर रहे हैं, क्या सना को खिला पाएंगे बकलावा? माशाल्लाह फाइनली अनस भाई को मौका मिल गया कि वो बकलावा खिलाए, वैसे भी सना की प्रायोरिटी हमेशा अनस भाई ही होते हैं, और इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम अल्लाह ने मियां बीवी बनाया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता दुनिया में जो बनाया वो मियां बीवी का बनाया। और हदीस का मफहूम भी है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मोहब्बत से देखता है। तो ये चीज़ हमें क्या बखूबी सीखने मिलती है अनस भाई और सना खान की जोड़ी से, अल्लाह इन्हें हमेशा शादाबाद रखे। सना से मिलके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अनरियलिस्टिकली ब्यूटीफुल, दैट मच ब्यूटीफुल फ्रॉम हार्ट ऑल्सो, एक-एक वर्ड जो उनके मुंह से निकलता है सीधा बिल्कुल। सो व्हाट इज योर टेक अवे, आप जब उनसे मिले तो आपका जो एक की चीज है जो आप उनसे सीख के जा रहे हो वो क्या है? प्रॉब्ली सिंपलिसिटी, यू नो, माशाल्लाह वेरी नाइस, सिंपलिसिटी, द वे शी इज मेकिंग एवरीथिंग लुक सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल, जस्ट यू लुक ऑस्ट्रा, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, लव दिस। Now exploring the abayas and jilbabs, the speciality of Sana Khan. और जिलबाब में सबसे पहले मेरी नज़र ये प्यारे से मिंट ग्रीन पे पड़ी, इसकी लेस भी मुझे बहुत पसंद आई। जिलबाब्स आर वेरी इजी टू कैरी, एंड अभी रमज़ान आ रहा है वो भी समर्स में, तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है, और अगर आप सिस्टर्स हो ट्विनिंग करना है तो बिल्कुल इसे चेकआउट करें। और ये देखिए तीन बहुत प्यारे से एस्थेटिक कलर्स मुझे अबायाज में भी दिखे, सटल सा इस पर स्टोन वर्क है ये लाइलैक कलर पे, ये रियल में और प्यारा दिखता है, ये इसमें प्रॉपर शेड नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज अ ग्रे कलर ऑप्शन, एंड दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट पाउडर ब्लू कलर। सारी लिंक्स मैं बायो में डाल रही हूँ नीचे। और ये हमारा ब्लैक कलेक्शन, सो ब्लैक इज़ ऑलवेज अ मस्ट हैव, जो भी बुरका पहनते हैं अबाया पहनते हैं, आपको एक बहुत अच्छा सा ब्लैक अबाया होना आपकी वार्डरोब में बहुत ज़रूरी है, जिसका फैब्रिक भी अच्छा हो, ना कि सिर्फ वो दिखने में अच्छा हो। ये देखिए ये वो अबाया है जो आजकल सना को हम स्टोरीज पे पहने देख रहे हैं, द रेड बॉर्डर वन, एंड आई लव द फैक्ट कि इसमें फ्लेयर है लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो बहुत फेदर वेट है ताकि ये मैनेजेबल रहे। ओ दिस इज़ अगेन अनदर प्रिटी वन, ये सना ने ब्लैक एंड रेड में पहना था एक इंटरव्यू के लिए, एंड दीज आर लिमिटेड एडिशन पीसेज, सो दे आर सेलिंग लाइक क्रेजी। वाह, मुझे ये वाले जो शेडेड अबाया बहुत स्मार्ट लगे, वाइट इंटू ब्लू,
और ये बहुत प्यारा सा पिंक इनटू बर्गंडी शेड है। इसका जो शैला है वो और नकाब जो इसका नोज पीस है वो दोनों सेम कलर है, डार्क बर्गंडी। और ब्राउन का अपना ही चार्म होता है, इसे आप हील्स पे टीम कर लो और फैब्रिक देखो। ये है फॉर्मल वेयर कलेक्शन लाइक ब्राइडल, अभी जोरों शोरों पर है ब्राइडल सीजन। लेट्स आस्क सना कि सना आपका फेवरेट क्या है। ऑफ कोर्स आई लव रेड, बट इट्स अच्छा लगता है। द बेस्ट थिंग इज वी हैव दिस वेलवेट शॉल एंड ये ड्रेस है, इट्स वेरी वेरी लाइट मटेरियल, तो जनरली होता है ना दुपट्टा भी हैवी हो जाता है और सूट भी हैवी हो जाता है, तो हमने सूट को बहुत लाइट और कैजुअल रखा है ताकि आप इसे रिपीट कर सको इवन फॉर अ बेसिक इवेंट। इट्स नॉट वेरी हैवी कि आपको सिर्फ शादी में और कोई बड़े फंक्शन में काम आ जाएगा, तो यूजर फ्रेंडली हो जाता है और आपके पैसे अटक नहीं जाते कोई कपड़ों में, बिकॉज आप उसे बार बार पहन सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत हल्का है, साइड में थोड़ा पर्ल वर्क किया हुआ है एंड इट्स हैंड वर्क पूरा। ये भी आपने करवाया है, ये डिटेलिंग जो है पूरा डिटेलिंग ताकि ये थोड़ा प्यारा लगे। एंड ऑफ कोर्स जब आप इसको ज्वेलरी के साथ स्टाइल करोगे तो बहुत प्यारा लगता है। एंड यू कैन यूज अ नाइस रेड स्कार्फ ऑन दिस और स्कार्फ ऑन दिस एंड देन यू आर रेडी। तो सना अगर मुझे समझो एक सेमी फॉर्मल इवेंट है, जैसे गर्ल्स गेट टुगेदर इवनिंग, वी वांट टू कैच अप एट अ कैफे एंड ऑल, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर दैट यंग ग्रुप? सी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स बिकॉज़ वी हैव कुर्तीज, वी हैव जस्ट पैंट एंड कुर्ती आल्सो एंड उसके ऊपर आप कोई शॉल या आपका कोई स्कार्फ यूज कर सकती है, बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली ब्रेथ वाओ अभी बारबी सीजन जो चल रहा है एंड पीपल वांट टू हैवी एंड पिंक इज द कलर ऑफ द सीजन। और ये फारिग होते ही हम अपनी बातों में लग गए, हम नीचे ही बैठ गए खाने क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। ये स्टार्टर्स के प्लेटर आए हुए थे तो हमने ट्राई किया प्रॉन्स इन गार्लिक सॉस, प्रॉन्स इन ग्रीन सॉस। और सना वैसे भी खातिर में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते, तो इसी के साथ ये बहुत ही यम से स्टार्टर्स इन्जॉय कर लिए, सना से बात कर ली, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और अगले व्लॉग में ये देखेंगे मैंने हया बाय सना खान से क्या शॉपिंग की एंड डूज एंड डोंट्स क्या थे जो सना ने मुझे रिकमेंड किए शादी सीजन के लिए, एज अ हिजाबी मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसका डिटेल रिव्यू देंगे। बहुत सारी अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي.